डियर स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने मैट्रिक्स और सारणिक दो लेसन किए हैं। आज हम नेक्स्ट लेसन करते हैं व्युत्क्रमावयव और रैखिक समीकरण। व्युत्क्रमावयव निकालने के लिए व्युत्क्रमावयव को हम दर्शाएंगे ए इनवर्स से। ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। एडजॉइंट ए निकाल के उसमें सारणिक ए का क्या करना है, भाग देना है। एडजॉइंट ए निकालना हम पिछले लेसन में देख चुके हैं। सबसे पहले उपसारणिक, उपसारणिक से सहखंड और सहखंड से उसकी मैट्रिक्स बना के उसका परिवर्तन करेंगे, वो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपको 3x3 की दे रखी है और इसमें सिद्ध करना है ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से गुणा करना है, ए सारणिक को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करना है, एडजॉइंट ए को ए से गुणा करना है। तीनों पार्ट बराबर बताना है और ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक ए 1 1, पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, 0 को 3 से गुणा करोगे 0, 0 को 2 से गुणा करोगे 0। ए 1 2 -1 के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस का 2, 9 और 2 11। ए 1 3, 1 3 मीन्स इस 2 के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 0 को 3 से गुणा करोगे 0, माइनस 0, ओवरऑल 0। नेक्स्ट आइए ए 2 1, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 3 के लिए पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति छोड़ दो, इसको गुणा करोगे -3 और ये हो जाएगा 2, ये आ गया आपका -3। ए 2 2, ए 2 2 इस 0 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 -2, हल करोगे 1। ए 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव -2 के लिए दूसरी पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 और ये हो जाएगा -+1। नेक्स्ट आइए 3 1, इस 1 के लिए तीसरी पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 -0 2। ए 3 2, इस 0 के लिए तीसरी पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको मल्टीप्लाई करोगे -2 -6 -8 हो जाएगा। लास्ट आ जाइए 3 3 के लिए, इस 3 के लिए छोड़ दो 0 -3 हो जाएगा। ये अपने पास सारे उपसारणिक आ गए। अब आ जाइए इसके सहखंड F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। इसकी जानकारी आपको है, इन अंकों का योग सम संख्या है तो चिन्ह चेंज नहीं करोगे और इन अंकों का योग विषम संख्या है तो चेंज। 1 और 2 का योग करोगे सम संख्या रही, कोई चेंज नहीं होगा, 0 का 0। विषम संख्या रही -11, सम संख्या 0, विषम संख्या -+3, सम संख्या 1, विषम संख्या -1, सम संख्या सेम, विषम संख्या +8, सम संख्या +3। ये आ गया अपने पास में सहखंड। अब इसकी सहायता से हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ। एडजॉइंट ए आ गया। अब निकालिए सारणिक ए का मान। सारणिक के रूप में इसको लिखें, 1 के लिए 0 -0,
माइनस माइनस प्लस वन के लिए 9 प्लस 2, 2 के लिए 0 माइनस 0, 0, 0 एंड 11, ये सारणी की वैल्यू आ गई 11। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स के अवयव। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 एंड 3। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अभी आपने निकाला 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 एंड 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 11 0 ओवरऑल 11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 माइनस 1 माइनस 2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 माइनस 8 प्लस 6, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 एंड 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 0 प्लस 2, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 0 माइनस 6, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 एंड 0, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 0 एंड माइनस 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 0 एंड 3। सिंप्लीफाई 11 0 0 0 11 0 0 0 एंड 11। फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट, ए सारणी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इकाई मैट्रिक्स से। ए सारणी की वैल्यू 11 और इकाई मैट्रिक्स हम जानते हैं, विकर्ण के अवयव में 1 1 लिख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आपका सेकंड पार्ट। इसी प्रकार थर्ड पार्ट के लिए अगेन एडजॉइंट ए को पहले लिखिए और ए को बाद में, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर इक्वल, देन प्रूव दैट थ्री पार्ट आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू एफ एल्फा इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कॉस एल्फा 0, 0 0 एंड 1। फाइंड द ए इनवर्स एंड प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज A inverse multiply by A equal to identity matrix. Second part, A inverse equal to F minus alpha. सबसे पहले A inverse निकालना है, adjoint A निकाल दीजिए। Adjoint A के लिए उपसारणिक, सहखंड और सारी चीजें। उपसारणिक ए 11, कॉस अल्फा के लिए ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, कॉस अल्फा माइनस 0 इक्वल टू कॉस अल्फा। ए 12, इस साइन अल्फा के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, साइन अल्फा माइनस 0 इक्वल टू साइन अल्फा। ए 13, 0 के लिए ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ए 21, साइन अल्फा के लिए ये छोड़ो माइनस साइन अल्फा।
8, 2, 2 कॉस अल्फा के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, कॉस अल्फा माइनस जीरो इक्वल टू कॉस अल्फा। 8, 2, 3 इस जीरो के लिए तीसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति छोड़ दो, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। 8, 3, 1 जीरो के लिए पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। 8, 3, 2 इस जीरो के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। एंड लास्ट 3, 3 के लिए, 1 के लिए ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हम जानते हैं आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आ जाइए इसके सहखंड F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। चिन्ह परिवर्तित करके लगाइए, जहाँ विषम संख्या योग है वहाँ माइनस लगाना है, सम है उसको वैसे ही रहना। इनका योग सम संख्या हो रहा है कॉस अल्फा, विषम हो रहा है माइनस साइन अल्फा। जीरो के लिए जीरो, विषम हो रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस, सम के लिए सेम कॉस अल्फा, जीरो जीरो एंड जीरो एंड वन। इससे हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ए, ये लीजिए एडजॉइंट ए। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बनाइए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, दूसरा स्तंभ साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड जीरो, तीसरा स्तंभ जीरो जीरो एंड वन। एडजॉइंट ए आ गया। अब निकालिए सारणी के, सारणी के पहली पंक्ति से इसका विस्तार करें कॉस अल्फा के लिए, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कॉस अल्फा जीरो। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, साइन अल्फा माइनस जीरो, पॉइंट जीरो के लिए छोड़ दो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा सर्वसमिका से इसका मान हो गया एक। अब हम निकालते हैं इससे ए इनवर्स, एडजॉइंट ए को ए सारणिक से डिवाइड कर दो। 1/1 कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो एंड वन। ये अपने पास में ए इनवर्स आ गया। अब इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए, और ए इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस एफ माइनस अल्फा के इक्वल। फर्स्ट पार्ट के लिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो एंड वन। मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो एंड वन। दोनों का गुणा कर देते हैं, पहले पंक्ति पहला स्तंभ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा जीरो, जीरो छोड़ दीजिए। पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जीरो को छोड़ दीजिए। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ जीरो जीरो एंड जीरो, ओवरऑल जीरो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड जीरो को छोड़ दीजिए। इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे जीरो।
तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ओवरऑल जीरो, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ओवरऑल जीरो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ वन। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सर्वसमिका लगाइए, वन कैंसिल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जीरो जीरो वन जीरो 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 एंड वन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3, इसलिए I3 और यही हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट के लिए एफ माइनस एल्फा फाइंड करना है। एफ एल्फा में एल्फा की जगह माइनस एल्फा पुट कर देते हैं, साइन माइनस एल्फा कॉस माइनस एल्फा जीरो 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 एंड वन। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। पुट द वैल्यू, कॉस एल्फा माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा जीरो माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा जीरो 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 वन। चेक कीजिए ए इनवर्स इक्वल टू दिस सेम, ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसकी जगह हम कर सकते हैं ए इनवर्स और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है वन माइनस वन टू एंड माइनस वन और इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है ए इनवर्स इक्वल टू ए क्यूब। 2x2 में एडजॉइंट ए निकालने का डायरेक्ट मेथड भी है। क्या मेथड है? मुख्य विकर्ण का स्थान परिवर्तन कर दीजिए। चेक कीजिए 1 की जगह माइनस वन और माइनस वन की जगह 1, दोनों का स्थान। और सेकंड विकर्ण के चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये आपका 2x2 क्रम में सीधा एडजॉइंट ए निकालने का तरीका। अब निकालिए सारणिक ए का मान, माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वन। ए इनवर्स निकालिए, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग दे दीजिए, समीकरण नंबर एक। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में हमें ए क्यूब निकालना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करके। पहली पंक्ति पहला स्तंभ वन माइनस टू, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस वन प्लस वन, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ टू माइनस टू, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस दो प्लस एक। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस वन जीरो जीरो एंड माइनस वन। अब आप फाइंड कीजिए ए क्यूब, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय ए, ए की वैल्यू वन माइनस वन टू एंड माइनस वन। वापस पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस वन एंड जीरो। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस माइनस प्लस वन एंड जीरो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जीरो माइनस टू, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जीरो प्लस वन। सिंप्लीफाई, माइनस वन वन माइनस टू एंड वन। इक्वेशन नंबर टू,
check the equation 1 and 2 are equal, then left hand side and right hand side are equal, prove equal to A, inverse equal to A cube. Thank you.